नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू बाला। और सबसे पहले आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक बधाई। और इस शुभ मौके पर आज आप अपने नटखट लड्डू गोपाल को, माखन चोर भगवान को भोग लगाने के लिए और खुद व्रत में खाने के लिए फलाहारी लड्डू बनाने जा रही हैं। जय लड्डू आप नवरात्रों के व्रत में भी प्रयोग कर सकती हैं। जय लड्डू है समा के आटे के लड्डू। देखिए खसखस के दाने जितने बारीक चावल होते हैं जो किराने की दुकान पर हमें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, और इसे मोरदन भी कहा जाता है। और हमारे नॉर्थ में, उत्तरी भारत में खासकर इसे सोंखिया चावल बोला जाता है। आप सोंखिया चावल के नाम से उत्तरी भारत में खरीद सकते हैं, समा और मोरदन के नाम से दूसरे इलाकों में। तो जे मेरे पास आधा कप का मेजरमेंट है, तो जे मैंने दो कप यानी कि दो ले लिए, तो एक कप मैंने जे लिए समा के चावल का आटा। कैसे लिया मैंने समा के चावल ले लिए, उसे ग्राइंडर जार में जो सूखी चीज़ें पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है उसमें डालकर इसका ऐसा पाउडर बना लिया बिल्कुल फाइन, और स्ट्रेनर की हेल्प से छान लिया। इस स्ट्रेनर की हेल्प से मैंने छान लिया। ये एक कप मेरा समा का आटा है। इसका मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मिक्सी के जार में पीस कर पाउडर बनाया है चावलों को। और बाद में हमें क्या चाहिए, ये मेरे पास है चीनी, नॉर्थ में इसे बोलते हैं देसी खांड। आप पीसी चीनी ले सकती हैं, बूरा ले सकती हैं। ये पंजीरी वगैरह में डाली जाती है, जो देसी खांड नॉर्थ में कहा जाता है। इसका जो टेस्ट है बूरे की कंपैरेटिवली बहुत बढ़िया होता है, और चीज़ें टेस्ट में अच्छी बनती है। आप बूरा प्रयोग करें, पीसी चीनी प्रयोग करें, कुछ भी प्रयोग करें। और एक कप था तो एक कप ही मैंने चीनी ले ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा हेर फेर भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी डाल सकती हैं। ये आधा कप मैंने लिया है डेजिकेटेड कोकोनट नारियल का बुरादा, जो किराने की दुकान पर बड़ी आसानी से मिल जाता है, गुलाब जामुनों पर लगाया जाता है। ये एक टेबल स्पून मेरे पास है लेंथ वाइज कटे हुए बारीक बादाम, एक टेबल स्पून है बारीक कटे हुए पिस्ता, एक टेबल स्पून है बारीक कटे हुए काजू, एक टीस्पून है मेरे पास इलायची पाउडर, पौना टीस्पून है मेरे पास काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा दूध। और ये मेरे पास क्या है, जो बड़े बड़े मखाने रहते हैं पंजीरी में डाले जाते हैं, कमल के फूल पर लगते हैं, जिसे फोक्स नट्स बोलते हैं, वो उसका भी मैंने थोड़ा पाउडर बनाकर रखा है टेस्ट देने के लिए। और ये मेरे पास है शुद्ध घी। हमने एक कप समा का आटा लिया था, तो हम आधा कप लेंगे देसी घी। घी है जो आधी क्वांटिटी में लेना है, यानी कि अगर आप एक कप आटा ले रही हैं तो उसमें आधा कप हम लेंगे देसी घी। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है नोट करने वाली बात, जो हमने नोट करनी है वे है हमारी गैस की फ्लेम। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो आंच रखना है, ताकि जो हमारा आटा है वो जलने ना पाए और बड़ी आसानी से भून जाए। धीरे धीरे करते हुए हमने इसे भूनना है। देखते हैं कितने मिनट में ये आटा हमारा भूनकर तैयार होता है। बड़े प्रेम से हमने इसे भूनना है। जब ये भून जाएगा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और क्या होगा, इसमें सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आने लगेगी। अब हम इसे लो फ्लेम पर धीरे धीरे हिलाते हुए भूनेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे हिलाते चलाते हुए हमने धीमी आंच पर बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे भूनना है अपने आटे को। मुझे 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए इसे बिल्कुल मंद आंच पर। इसमें सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आने लगी है और इसका कलर भी चेंज होने लगा है। अब थोड़ा समय हम और भूनेंगे ताकि ये बिल्कुल कच्चा ना रहे, जो हमारे आटा है बिल्कुल चावल का पककर तैयार हो जाए। देखिए एक कप समा के आटे को भूनने में हमें 13 से 14 मिनट तक लगे हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर। और देखिए ये बिल्कुल थोड़ा इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब गैस का बर्नर हम करेंगे टर्न ऑफ और इसे निकाल लेंगे किसी भी मिक्सिंग बाउल में। ये मैं ले रही हूँ एक बाउल जिसमें हम सभी चीज़ें करेंगे मिक्स। हम बड़े बाउल में इसलिए डाल रहे हैं, एक तो मिक्स करना आसान होगा, दूसरा ज़्यादा गर्म में हमने चीनी वगैरह कभी भी नहीं मिलानी होती,
जैसे कि हम कोई भी लड्डू बनाते हैं तो उसमें गरम गरम में चीनी मिलाने से वो चीनी पानी छोड़ देती है और लड्डू अच्छी तरह नहीं बनते, इसलिए थोड़ा हम इसकी पहले ऐसे हवा निकाल देंगे ताकि हम गरम गरम में चीनी ना मिक्स करें। अब हम इसमें मिलाएंगे अपना नारियल का 1/2 कप बुरादा और इसे भी मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और अपने टेस्ट के मुताबिक जो मैंने बताए थे, बड़े मखाने रहते हैं, फॉक्स नट्स पंजीरी में डाले जाते हैं, बड़े बड़े कमल के फूल पे होते हैं, लोटस नट्स भी बोलते हैं, उसका मैं इतना ये मिला रही हूँ पाउडर जो मैंने मिक्सी में बना लिया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये भी फलों वाली होते हैं, ड्राई फ्रूट्स में काउंट होते हैं। तो आप अब हम इसमें मिलाएंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून, ये भी मैं मिलाने जा रही हूँ अच्छी तरह से ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आए, खाने में टेस्ट अच्छा आए और मतलब ज़बरदस्ती हमारा मन करे फटाफट खाने का। ये सभी चीज़ें मिलाने के पश्चात अब मैं मिलाने जा रही हूँ इसमें काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि कोई भी चावल होते हैं वो बाजू पैदा करते हैं, काली मिर्च डालने से एक तो इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा, टेस्ट अच्छा आएगा, दूसरा ये नुकसानदायक भी नहीं रहेंगे। देखिए दोनों चीज़ें मिलाने से ये काफ़ी ठंडा हो गया है पहले की कंपैरेटिवली। हमने इसे कोसा कोसा ही रखना है, ल्यूक वार्म रखना है, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, नहीं तो हमारे जो लड्डू हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। अब हम इसमें मिला जाने जा रही हैं काजू बारीक कटे हुए 1 टेबल स्पून और इसमें मिलाने जा रही हैं बादाम। जो ड्राई फ्रूट्स है वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकती हैं, मैंने वो ड्राई फ्रूट्स डाले हैं जो मेरे को पसंद हैं। आप खरबूजे के बीज भी मिला सकती हैं, चिरौंजी भी मिला सकती हैं। देख रही हैं हाथ लिखाकर ये पहले के कंपैरेटिवली काफ़ी हो गए हैं ठंडा। अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ी 1 कप हम इसमें मिला रही हैं पीसी हुई शक्कर या बूरा या देसी खांड, मैं इसमें देसी खांड मिला रही हूँ क्योंकि हमारे पंजाब में इसे बहुत बड़ा गिना जाता है, समझा जाता है। अब इसे करेंगे अच्छी तरह मिक्स, हाथ से करेंगे क्योंकि हाथ से मिक्स करने से जो हमारे मिक्सिंग है अच्छी होती है। अब ये मैं कलरफुल बनाने के लिए डाल रही हूँ पिस्ता, ताकि वो जो वाइट में है ग्रीन ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगता है लड्डुओं में। आप काट कर इसमें चेरी भी मिला सकती हैं क्योंकि चेरी जो होती है टूटी फ्रूटी वो भी फलोहार में आती है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे बन रहे हैं या नहीं, अगर नहीं बनेंगे तो अब इसमें मिलाएंगे खोआ या दूध। आप खोआ भी मिला सकती हैं और दूध भी मिला सकती हैं, मैं खोआ नहीं मिलाना रिकमेंड करूँगी क्योंकि खोआ बाज़ार से अगर आप लाएंगे तो उसमें मैदा वगैरह रहता है जो व्रत में नहीं खाया जाता, तो लड्डू हमारे नहीं बन रहे हैं। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो चावलों की पिन्नियों में सर्दियों में डाली थी तो उसमें मैंने मिलाया था दूध, इसी प्रकार हम इसमें दूध मिलाएंगे बांधने के लिए। थोड़ा सा आप मिला कर देख लें कि लड्डू बांध पा रहे हैं या नहीं, अगर बांधेंगे तो ठीक है, नहीं थोड़ा दूध और मिला देंगे। मैंने 2 टेबल स्पून इसमें दूध ऐड किया है, अब हम इसे बांध कर देखते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें मिलाया था दूध, तो 2 टेबल स्पून दूध मिलाने से देखिए जी अच्छी तरह बाइंड होने लगे हैं। तो अब हम अपनी कोई भी सर्विंग डिश लेंगे, उसमें लड्डू बनाते जाएंगे, रखते जाएंगे और भगवान के भोग की तैयारी करेंगे और ख़ुद भी व्रत उपवास में खाएंगे, औरों को भी खिलाएंगे और प्रशंसा के पात्र बनेंगे कि कितने बढ़िया लड्डू बनाए हैं। ये लड्डू खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और पौष्टिक भी रहते हैं। जितना छोटा बाउल हमने अपने सभी लड्डुओं को अच्छी तरह से बांध लिया है, आप भी इसी तरह से सभी लड्डू बना सकते हैं, बड़ी आसानी से बन जाते हैं और बहुत पौष्टिक हैं, टेस्टी हैं और व्रत उपवास में तृप्ति देने लायक रहते हैं। आप इसी प्रकार से मेरे को फॉलो करते हुए जन्माष्टमी पर फलोहारी लड्डू बनाएं, खुद खाएं, भगवान को भोग लगाएं, मेहमानों को खिलाएं, प्रसाद बांटें और बाबाई लें, प्रशंसा लें।
आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर एक बार बनाकर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब हम फिर मिलेंगे अपनी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।